माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो आपको मैं बिहार बीएड के साइट पर लेकर आई हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ, अब किस चीज़ की वीडियो बनने वाली है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ एक बात। तो वो बात है क्या, वो जान। तो अभी तक आपने अगर 3,000 रुपये पे नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि 2 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद आपका कोई पेमेंट नहीं होने वाला है। उसके बाद आपको थर्ड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग के प्रोसेस होंगे, उसके बाद स्पॉट एडमिशन होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पार्ट ऑफ पेमेंट की तिथि 11 दिसंबर तक है। तो 11 दिसंबर तक अपनी आप फी अभी तक नहीं किए कर लीजिए, और एक बार फिर से चेक कर लीजिए कहीं आपका बदल ना गया हो कॉलेज। दूसरी बात कि यहाँ पे आप तो देख रहे होंगे कि रेड कलर के ब्लैंक में क्या है। तो क्लिक हेयर टू द लॉग इन टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिहार बीएड कम्बाइनेटरी। और ये है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो माइनॉरिटी कैंडिडेट थे उन लोगों के लिए है। तो ये दोनों आपको नोटिस पता जा चुकी है। और इतने सारे यूनिवर्सिटी है, इस अंतर्गत यूनिवर्सिटी, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं पसंद आता है तो आप साफ 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 प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि हाँ, आपका कॉलेज चेंज हो सकता है। तो एक बार अपग्रेड कर लीजिएगा वैसे। लेकिन एक ये भी बात गलत है कहीं आप लोगों का, देखिए ऐसा नहीं है कि आपका यूनिवर्सिटी चेंज हो रहा है या कुछ भी चेंज हो रहा है। तो फिर देखिए, सी आपके मार्क्स के अनुसार आपको कॉलेज दिए जा रहे हैं। हाँ, मानती हूँ कि थोड़ा एलएनएम भी बदमाशी कर रहा है, लेकिन आपका जो मार्क्स है उसी के अनुसार कॉलेज, आपने जो जो कॉलेज का चुनाव, अभी मैंने आपको बताया है कि अपग्रेड का मतलब क्या होता है। अगर उसी यूनिवर्सिटी, सेम यूनिवर्सिटी में दूसरा कॉलेज मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो कॉलेज उससे ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए आपको प्रोवाइड किया गया है। लेकिन बहुत लोगों का क्या हो रहा है कि वही सेम कॉलेज दे रहा है, तो ये तो गलत बात है। लेकिन हाँ, आपके मार्क्स के अनुसार वही कॉलेज आपको अलॉट किया। उसके पहले आपने जितने भी कॉलेज चुने थे, आपको मैंने बताया है कि कॉलेज चुनने का क्या क्या प्रोसेस है। तो ये ऐसे होते हैं। अगर आपको और भी कुछ भी चाहिए बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरी एजुकेशनल आर के पॉइंट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आई होप कि आज के लिए आपका दिन अब मंगलमय हो।